हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। आज मैं फर्स्ट टाइम लाइव आ रही हूँ फेसबुक पे, तो आप सबको गुड लक। जो जो अपने सवाल पूछना चाहते हैं वो मुझे टेक्स्ट कीजिए फेसबुक पे, मेरे लाइव सेशन में यू कैन मैसेज मी, सो आई विल डू योर लाइव टैरो कार्ड रीडिंग। सो यू कैन आस्क ऑल योर क्वेश्चंस। मैं आज आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। आज रविवार का दिन है, 13 सितंबर 2020, और आज का दिन बहुत ही ऑस्पिशियस दिन है। आज के दिन में एस्ट्रोलॉजिकली जो प्लैनेटरी अरेंजमेंट्स है, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड प्लैनेटरी अरेंजमेंट्स। ये जो ग्रह की स्थिति है, ये 400 इयर्स के बाद ये स्थिति हुई है ग्रहों की। आज के दिन 6 प्लैनेट्स अपनी अपनी बेस्ट पोजीशन पे है। जैसे नवग्रह होते हैं, तो नवग्रह में जैसे राहु और केतु को हम साइड में रखते हैं, राहु और केतु जैसे पाप ग्रह है, तो बाकी के जैसे 7 ग्रह जिनकी हम अभी चर्चा करेंगे, उसमें से 6 ग्रह अपनी अपनी बेस्ट पोजीशन में आज बैठे हुए हैं। तो ये जो समय है, ये समय में आप सबको पॉजिटिव होना है, आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ज़रूरत है। मतलब आप मेडिटेशन कर सकते हो, चैंटिंग प्रेयर्स, यू कैन डू लाइक मैक्सिमम पॉजिटिव थिंग्स इन दिस टाइम। लाइक इट स्टार्टेड एट 11:30 एंड इट विल लास्ट टिल 12:15। तो ये जो प्लैनेटरी पोजीशन है, जैसे मैंने बताया, 400 ईयर्स बाद हो रहा है। अब मैं एक्सप्लेन करूंगी कि क्या क्या प्लैनेटरी चेंजेस आ रहे हैं आज के दिन, जिसके कारण आज का दिन एकदम पॉजिटिव दिन माना जाता है। पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना है, स्पिरिचुअल प्रेयर्स आपको करनी है, चैंटिंग कीजिए, मंत्रा कीजिए, तो आपकी जो भी पॉजिटिव अफर्मेशंस है, दे विल कम लाइक इन अबंडेंस, यू विल गेट ऑल पॉजिटिव रिजल्ट्स। आज के दिन सूर्य, जैसे कि ग्रहों का राजा माना जाता है सन, सूर्य खुद अपनी राशि में बैठे हुए हैं, मेष राशि में, वो भी उत्तरा नक्षत्र में, जो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो ग्रहों के राजा जैसे खुद के घर में बैठे हैं, तो आप सूर्य की आराधना कीजिए, सूर्य जल चढ़ाइए। आज रविवार का दिन है, अगर आप सूर्य जल चढ़ाते हो और अपनी मनोकामना मांगते हो, तो आपकी सारी विश पूरी होगी। अब हम जाएंगे चंद्र। चंद्र को जैसे माता का स्थान दिया जाता है एस्ट्रोलॉजी में, तो चंद्र देव जो है वो बैठे हुए है कर्क राशि में, जो उनका खुद का घर है चंद्र का। तो कर्क राशि में जैसे चंद्र आ गए, तो आपके माता से आपको अफेक्शन मिलेगा, माता जी के आपको प्रेयर करने चाहिए, माता जी के चरण स्पर्श करने चाहिए। अगर आपकी माता जी नहीं रहे ये दुनिया में, तो आप उनके फोटो पे हाथ जोड़ के उनका नाम लीजिए। तो चंद्र देव आज कर्क राशि में जो बैठे हुए है, वो भी सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट है आज के दिन। तो वो हिसाब से चंद्र भी बेस्ट पोजीशन में आज बैठे हुए हैं। चंद्र पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र जो बहुत पॉजिटिव नक्षत्र है, पुनर्वसु नक्षत्र में चंद्र जब प्लेस होते हैं, तब आपकी सारी विश पॉजिटिव होती है। अब हम जाएंगे मंगल पे। मंगल मतलब मार्स। मंगल बैठे हुए है मेष राशि में, जो उनकी खुद की राशि है, पहली राशि जैसे मानी जाती है एस्ट्रोलॉजी में, मेष राशि। तो मंगल खुद के घर में बैठे हैं, तो मंगल देव मतलब भूमि के कारक है, आपको मंगल देव की आराधना करनी चाहिए। तो आपकी भूमि से रिलेटेड, आपको प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड आपकी विश आज पूरी हो सकती है। फिर हम जाएंगे बुध ग्रह। बुध मतलब इंटेलेक्चुअल, बुध मतलब विजडम, बुध मतलब बिजनेस। तो एजुकेशन का भी कारक होता है बुध। बुध मतलब बुद्धि। बुध ग्रह बैठे हुए हैं कन्या राशि में, तो कन्या राशि के लॉर्ड है बुध और खुद की ही राशि में विराजमान है। तो आज के दिन अगर ये ड्यूरेशन में 11:15 तक बच्चे सरस्वती का आह्वान करते हैं, सरस्वती का मंत्र करते हैं, या विद्या से रिलेटेड कोई भी पॉजिटिव अफर्मेशन करते हैं, तो उनकी सारी विश पूरी होगी। अब हम जाएंगे गुरु पे। गुरु मतलब स्पिरिचुअल प्लैनेट है। गुरु बैठे हुए हैं धनु राशि में।
धनु राशि के मालिक होकर गुरु खुद की राशि में बैठे हैं, तो स्पिरिचुअली भी बहुत अच्छा दिन है आज। आपको अपनी जो भी विश है, आपको मेडिटेशन करना है, प्रेयर्स करनी है, गुरु ग्रह को आपको याद करना है। गुरु मतलब अपने जो भी शिक्षक है, अपने गुरु है, अपने मास्टर्स है, जिनसे हमने लाइफ में आगे बढ़ना सीखा है, जिन्होंने हमें पढ़ाया है। तो गुरु ग्रह को प्रे करने से आपके सारे टीचर्स और गुरुज का आपको आशीर्वाद मिलता है। तो गुरु ग्रह बैठे हैं धनु राशि में, मतलब खुद की ही राशि में। तो आप अगर गुरु ग्रह को भी प्रे करते हो तो आपके सारे टीचर्स और गुरुज का आपको ब्लेसिंग मिलेगा, स्पिरिचुअल फील्ड में आप आगे बढ़ोगे। अच्छा फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगी कि मैं लाइव हूँ, तो आप अपने अपने जो भी क्वेश्चंस है, आज मैं फर्स्ट टाइम लाइव आ रही हूँ, तो आपको अपने अपने क्वेश्चंस पूछने हैं, तो आप अपने अपने क्वेश्चन मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। तो वो हिसाब से मैं अभी कुछ मिनटों के लिए सिर्फ लाइव आई हूँ, मैं अभी मेरे एग्जीबिशन में हूँ, बट स्टिल आज इतना अच्छा दिन था, सो आई थॉट दैट मेरे सारे फेसबुक फ्रेंड्स के लिए आज मैं लाइव टैरो कार्ड रीडिंग करूँगी। तो आप अपने अपने क्वेश्चंस मुझे टाइप करिए, मैं आपका लाइव टैरो अभी करके दिखाऊंगी, जो सब देखेंगे, सो यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस ऑल्सो। अब मैं आगे जाऊंगी सैटर्न, सैटर्न मतलब शनिदेव, शनिदेव है मकर राशि, मकर राशि के मालिक, और शनिदेव खुद बैठे हैं मकर राशि में, विराजमान होकर बैठे हैं। तो शनिदेव को अगर आप आज प्रे करते हो, अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है और अगर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स लाइफ में आ रहे हैं, शनि आपको ऑब्स्टेकल्स देता है लाइफ में, आपको बहुत कठिनाइयों के बाद सब चीजें अचीव होती है, अगर आपका शनि खराब है, तो आज के दिन में शनि भी खुद की राशि में ही विराजमान है, मकर राशि में शनि बैठे हुए है। ये जो प्लेसमेंट है ये 400 इयर्स के बाद बना है, ये प्लेनेटरी पोजीशंस ऑफ प्लैनेट्स। अब मैं बताना चाहूंगी कि ये प्लेनेटरी पोजीशंस क्यों इतनी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। आप सबको पता होगा कि राम जी तो विष्णु जी का अवतार है, तो जब विष्णु जी ने राम भगवान बनकर इस धरती पे जन्म लिया था पाप का नाश करने के लिए, उस समय पे यही योग बन रहा था, उस समय यही 6 प्लैनेट्स अपने अपने घर में बैठे थे और ये सेम अलाइनमेंट था, जैसे सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि सारे ग्रह की सेम पोजीशन थी। तो यही पोजीशन में अपने प्यारे सबके प्यारे राम भगवान जी का जन्म हुआ था। अब दूसरा जो एग्जांपल है, सबको रावण तो पता ही होगा, रावण भगवान माने जाते थे वैसे तो श्रीलंका में, पर हम जैसे इंडिया में राम को ही पूजते हैं, पर राम जी को संहार करना था रावण का। तो रावण को जब ये चीज पता चली कि राम जी का जन्म यही प्लैनेट्स में हुआ था, यही प्लैनेटरी पोजीशन में, तब रावण भी, आपको सबको पता होगा कि रावण शिव जी के महान भक्त थे और रावण के अंदर वो पावर था कि रावण कुछ भी कर सकते थे, वो ग्रह को भी कैप्चर कर सकते थे, उतना रावण ने मेडिटेशन किया था। और रावण ने उस समय ग्रहों का स्पिरिचुअल जैसे प्रेयर्स की थी, और ऐसे स्पिरिचुअल उन्होंने प्रेयर्स किए थे कि रावण ने अपने मंत्र से, अपने मंत्रोच्चार से सारे ग्रह की सेम प्लेसमेंट बनाई थी, जिसके कारण जब राम जी का जन्म हुआ और रावण के पुत्र इंद्रजीत जिनका जब जन्म हुआ था, तब रावण जी ने यही प्लेसमेंट की थी अपने मंत्रोच्चार से, अपने पॉजिटिव पावर्स से, क्योंकि उनको पता था कि राम जी को मारने के लिए वैसा ही कोई स्ट्रॉन्ग चाहिए जो राम का संहार कर पाएगा, इसलिए उन्होंने इंद्रजीत में वो सारे पावर्स आ जाए इसलिए आह्वान करके ये प्लेसमेंट की गई थी। सारे फ्रेंड्स मुझे हाय बोल रहे हो, हाय एवरीबडी, आई एम लाइव टूडे, सो आप टैरो के जो भी क्वेश्चन है मुझे पूछिए। अभी फ्यू मिनट्स के लिए मैं सिर्फ आई हूँ ऑनलाइन, सो मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी, सो प्लीज टाइप ऑल योर क्वेश्चंस एंड आई एम गोइंग टू गिव यू आंसर्स। सो नाउ आई हैव गॉट वन क्वेश्चन फ्रॉम मनोज वैष्णव। हाय मनोज, हाउ आर यू?
अच्छा, आपका क्वेश्चन है वॉन्ट टू नो अबाउट माय फ्यूचर लाइफ। तो मनोज जी, मैं अभी आपका टैरो कर रही हूँ, और सारे व्यूअर्स, अभी जो समय चल रहा है, प्लीज प्रे पॉजिटिव, पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए। आपकी जो भी ड्रीम्स है, गोल्स है, रिपीटेडली यू हैव टू स्पीक, आपको बोलते रहना है अफर्मेशन मन में, आपको चैंटिंग करते रहना है। इफ़ यू वॉन्ट टू बी ए मिलियनेयर, इफ़ यू वॉन्ट टू अचीव योर ओन हाउस, इफ़ यू वॉन्ट टू बाय योर ओन प्लॉट, यू वॉन्ट टू हैव योर चाइल्ड टू बी द नंबर वन स्टूडेंट, तो वो सारी चीज़ें आपको प्रे करनी है। आपको अपनी हेल्थ के लिए प्रे करना है। सो प्रे मैक्सिमम टिल 12:15। अभी जो समय है, आपके सारे विशेस पूरे होंगे, क्योंकि ब्रह्मांड में अभी सारे ग्रह, जितने पुण्य ग्रह है, वो बेस्ट पोजीशन में बैठे हुए हैं। तो अब मैं मनोज जी आपका क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ। ओके मनोज जी, आपके कार्ड्स मैंने डाले हैं। मनोज वैष्णव मेरे फेसबुक फ्रेंड है, उन्होंने पूछा है मेरे फ्यूचर लाइफ के बारे में, मुझे जानना है। सो मनोज जी, आपके कार्ड्स जो आए हैं, पास्ट में आपने बहुत हार्डवर्क किया है, बहुत मेहनत की है, आप बहुत पॉजिटिव पर्सन हो, आपके अंदर स्ट्रेंथ है बहुत सारी, बट एट प्रेजेंट टाइम आपका फेस थोड़ा डिफिकल्ट चल रहा है। आपको हो सके उतना दान धर्म करना है, गरीबों की मदद करनी है। आपके कार्ड में आ रहा है कि कोई नेगेटिविटी है जो आपके लाइफ को इफेक्ट कर रही है, आपके ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे, इवन इन मैटर ऑफ पर्सनल लाइफ ऑल्सो, मे बी रिलेशनशिप वाइज ऑल्सो, वॉट यू आर एक्सपेक्टिंग यू आर नॉट गेटिंग इन योर लाइफ। तो मनोज, आपके लिए यही प्रेडिक्शन है कि आपको अभी के समय जैसे भी निकाल दो पॉजिटिव प्रेयर्स करके। आने वाले 6 महीने डिफिकल्ट है इन टर्म्स ऑफ करियर ऑल्सो, रिलेशनशिप ऑल्सो, बट 6 महीने बाद आपको जो भी अचीव करना है, यू विल गेट इट। सो मनोज जी, आपके कार्ड्स में दिख रहा है 6 महीने डिफिकल्ट है, आफ्टर दैट यू विल अचीव योर बेस्ट करियर एंड बेस्ट रिलेशनशिप। इट कैन बी मैरिज ऑल्सो, कि आपको आपका लाइफ पार्टनर भी मिल सकता है 6 महीने के बाद। अब मैं देखूंगी कन्या राशि का आज क्या हाल है, ये पूछा है मुझे प्रजापति जितेश कुमार ने। तो कन्या राशि के लिए तो आज अच्छा दिन है, क्योंकि कन्या राशि का लॉर्ड होता है बुध और मर्क्यूरी। मर्क्यूरी तो विराजमान है खुद ही कन्या राशि में। तो कन्या राशि वालों को जैसे पास्ट में थोड़े कॉम्प्लिकेशंस थे, उनकी हेल्थ के थोड़े इश्यू थे या फाइनेंशियली इश्यू थे, बट आज के दिन से उनके सारे काम पॉजिटिवली होने स्टार्ट हो गए हैं। तो बस कन्या राशि वालों, आप जल्दी से प्रेयर्स चालू कर दो, और आपको जो भी प्रे करना है आप अभी करिए। 12:15 तक बेस्ट प्लेनेट की प्लेसमेंट है, सो नाउ यू हैव टू डू इट। केयूर पटेल, केयूर पटेल पूछ रहे हैं कि मेरी राशि है मिथुन राशि, तो मिथुन राशि के लिए वो शायद पूछ रहे हैं, उन्होंने सिर्फ लिखा है मिथुन राशि। तो केयूर जी, आपके भी मिथुन राशि है, और मिथुन राशि का भी लॉर्ड बुध है, और बुध अभी कन्या राशि में बैठा है। कन्या राशि मिथुन राशि का मित्र है, तो आपके लिए भी बहुत अच्छा समय है। तो केयूर जी, आपके भी कुछ काम थे जो अटक रहे थे, बट ऐसे समझ के चलो कि अभी बेस्ट टाइम आपका आ गया है। तो जस्ट आप नेगेटिविटी और जो भी मन में थॉट है निकाल दो, और लाइफ में आगे बढ़ने का सोचो और पॉजिटिव काम करो। हाय प्रेक्षक मेहता, ओके प्रेक्षक मेहता इज आस्किंग, आई एम कन्या राशि, व्हाट अबाउट माय हेल्थ। तो अभी जैसे इसके पहले ही एक कन्या राशि वाले ही थे जिन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा था कि हाउ अबाउट कन्या राशि। तो प्रेक्षक जी, आपका भी कन्या राशि है, और बुध आपके ही प्लेनेट जैसे मेन ग्रह है आपका, और बुध बैठा है कन्या राशि में। तो आज के दिन आपको जैसे अभी जो समय चल रहा है उसमें जल्दी से आपको पॉजिटिवली भगवान का प्रेयर करना चाहिए, सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। आपका बुध स्ट्रांग है और कन्या राशि में ही विराजमान है, तो योर हेल्थ विल बी फिट फाइन एंड यू विल बी हेल्दी। बस मे बी थोड़े अंदर से ऐसे दिख रहा है कि जैसे आपको कुछ मे बी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, या तो समहाउ ऐसा दिख रहा है कि अभी पॉजिटिव टाइम आ गया है। सो यू शुड गो अहेड इन योर लाइफ एंड बी पॉजिटिव। ओके धर्मेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। काफ़ी मेरे फ्रेंड्स ने मुझे हाय भेजा है, सारे फ्रेंड्स को मैं मेरी तरफ से बोलना चाहूँगी, आज का दिन बहुत अच्छा है, ग्रह की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। तो आप जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चन पूछिए, ये जो समय चल रहा है, ये समय में आपके प्रेडिक्शन जो आप पूछोगे वो भी फुलफिल होंगे। तो इसीलिए मैं आज के दिन लाइव हुई हूँ, और मैं जो लाइव होने का मकसद यही है कि आज अगर आप टैरो इस समय में कराते हो तो आपके प्रेडिक्शन भी बहुत करेक्ट आएंगे।
So you should ask your question, ask about your health, career, relationship. You can ask about your goals in your life. So I will do tarot live. Okay, Bhavik ji, hello. Falguni Prajapati, hello. और भी काफ़ी मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे हाई भेज रहे हैं, तो आप मुझे क्वेश्चन पूछिए. क्वेश्चन पूछने से आपको हल मिल जाएगा, और ये जो समय है उसमें क्वेश्चन पूछने से आपके सारे काम भी होंगे, प्लस आपके कामों का हल भी आपको सही मिलेगा. जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि आज के दिन की प्लेसमेंट ऐसी है कि सारे ग्रह अलाइनमेंट में है और सारे ग्रह अपने अपने राशि में बैठे हुए हैं. ये योग 400 साल के बाद आया है, और ये सेम जो ग्रह की प्लेसमेंट है. हाय फाल्गुनी प्रजापति, आपका सवाल पूछिए. ये प्लेसमेंट अब 300 साल बाद आएगा, मतलब 300 इयर्स के बाद आएगा, मतलब अपने में भी आज के 3 जनरेशन बाद ये समय देखा जाएगा. तो आप अभी हो इस समय में, तो आपको ये समय का यूटिलाइजेशन कर लेना चाहिए. अभी आप हो सके उतने पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने चाहिए, आपको भगवान का नाम लेना चाहिए, चैंटिंग करनी चाहिए, अपने विश आपको अफर्मेशंस बोलने चाहिए. इट्स अ टाइम ऑफ अवेकनिंग, इट्स अ टाइम ऑफ रीबर्थ फॉर ऑल योर ड्रीम्स. सो आस्क योर क्वेश्चंस. ओके, मनोज जी ने और एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज बेटर फॉर मी, बिजनेस और सर्विस. सो मनोज जी, मैं आपका स्प्रेड डाल रही हूँ. तब तक बाकी व्यूअर्स अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं. अच्छा, ये लाइव सेशन हो जाने के बाद आप, जैसे मेरा लाइव सेशन फिनिश होता है, जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन दिए है, यू ऑल शुड प्रे ऑल द प्लैनेट्स टुडे. यू शुड प्रे फॉर योर पॉजिटिव एनर्जी एंड ऑल योर ड्रीम्स विल श्योरली कम ट्रू, बिकॉज आज का प्लेसमेंट इज द बेस्ट प्लैनेट प्लेसमेंट इन एंटायर यूनिवर्स. सो ऑल पॉजिटिविटी इज गोइंग टू अट्रैक्ट. सो आपको सिर्फ पॉजिटिव बोलना है, नेगेटिव नहीं बोलना है. ओके, मनोज जी, आपके कार्ड्स में आ रहा है कि एट प्रेजेंट तो आप जॉब कर रहे हो, बट यू आर नॉट हैप्पी इन योर जॉब. काफ़ी स्ट्रेस है आपके जॉब में. यू आर वेरी गोल ओरिएंटेड पर्सन. आपने मेहनत भी बहुत की है पास्ट में, बट अभी जो बर्डन या स्ट्रेस है आपके ऊपर, उससे आप जॉब में इतने खुश नहीं हो. तो आपको चेंज की ज़रूरत है लाइफ में कुछ. तो बिजनेस वाइज आपके कार्ड्स अगर डालते हैं, तो आपका कार्ड आ रहा है कि बिजनेस विल बी फेवरेबल फॉर यू, बट अभी आपको थोड़ा टाइम रुकना है. आपको अपना माइंड मनाना है कि मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए, बट समहाउ ऐसे सिचुएशंस बनेंगे कि आपको बिजनेस के लिए कोई प्रपोजल आएगा, मे बी थ्रू योर फ्रेंड्स, थ्रू योर रिलेटिव्स और फैमिली. आपके करीबी ही कोई पर्सन आपको अच्छी ऑफर देंगे, एंड इट विल बी लाइक मे बी पार्टनरशिप ऑल्सो. शुक्र से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड कोई बिजनेस हो सकता है. यू कैन डू एनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस और एनी रिलेट लाइक ब्यूटी रिलेटेड बिजनेस. आपको ऑफर आएगी, और आप 7 महीने के बाद दिख रहा है कि आपका स्टार्टअप भी होगा. फाल्गुनी प्रजापति जी का भी क्वेश्चन आ रहा है, मेरा करियर कैसा रहेगा और कुछ बिजनेस नया कर सकती हूँ क्या. अच्छा, तो मनोज जी, आपने आपका आंसर सुन लिया. आपको अभी शांत रहना है, 6 महीने बाद अपॉर्चुनिटी है. अच्छा फाल्गुनी प्रजापति जी, आपके करियर में कैसा ग्रोथ होगा और आपको कुछ बिजनेस करना चाहिए कि नहीं. ओके, फाल्गुनी प्रजापति, मैं आपका स्प्रेड डाल रही हूँ. सो फाल्गुनी जी, मैं आपके स्प्रेड में देख रही हूँ कि करियर वाइज तो इतने खुश नहीं हो. आप हार्डवर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पर आपको जो अचीव होना है, आपको जो लाइफ की ड्रीम्स है, वो इतनी जॉब में नहीं पूरी हो रही है. बट एट प्रेजेंट सिचुएशन बिजनेस आपको नहीं शुरू करना चाहिए. इट इज शोइंग कि आपको बिजनेस शुरू करने के लिए अभी फेवरेबल टाइम नहीं है. आप अननेसेसरी आपके पैसे ब्लॉक हो जाएंगे. आपका जैसे समय अभी थोड़ा डिफिकल्ट है, हेल्थ वाइज भी आपको सबसे पहले तो स्ट्रांग होने की ज़रूरत है. और बिजनेस में ये भी दिख रहा है कि अगर आप बिजनेस डालने का सोचते भी हो, तो समहाउ कुछ चीट कर सकता है, कोई आपको बैक स्टेप कर सकता है, आपके अपने ही लोग या तो मे बी आपके सराउंडिंग जो लोग हैं वो आपका फायदा उठा सकते हैं. तो यू शुड नॉट गो फॉर बिजनेस, यू शुड जस्ट फोकस ऑन योर प्रेजेंट जॉब. अच्छा, अब आपको बताना चाहूंगी, प्रीतम मालुसुरे का क्वेश्चन है, मेरे फ्यूचर के बारे में बता दो. ओके प्रीतम जी, मैं आपके स्प्रेड डाल रही हूँ.
ओके प्रीतम, मैं आपके क्वेश्चन डाल रही हूँ। प्रीतम आलू सूरे, मेरे फ्यूचर के बारे में बताओ। अच्छा प्रीतम, आपके कार्ड्स में आ रहा है कि एट प्रेजेंट सिचुएशन आप थोड़ा जगलिंग कर रहे हो आपके लाइफ में। आपके लाइफ में जगलिंग चल रही है करियर एंड रिलेशनशिप के बीच में, तो आप थोड़े फंसे हुए हो अभी। आपको रास्ते मिल नहीं रहे हैं, आप स्पिरिचुअली भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो बट वो सब चीज़ों का भी फायदा नहीं हो रहा है। बिकॉज उसका रीज़न है किसी का कुछ बुरा नज़र या कोई जेलस है आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर, जिसके कारण आपको चाहिए वैसा सक्सेस लाइफ में नहीं मिल रहा है। पास्ट मतलब एग्जांपल अगर लेते हैं तो 8 महीने से आप बहुत हार्डवर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो बट आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है। सक्सेस यू आर नॉट गेटिंग इन रिलेशनशिप एंड करियर, बट आपको पॉजिटिवली ये चीज़ का इंडिकेशन आ रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे आप जगलिंग जो भी कर रहे हो उसमें आने वाले 3 से 5 महीने, मिनिमम 3 to 5 months विल बी डिफ़िकल्ट बट यू विल अचीव वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ। सो प्रीतम, आपको पॉजिटिव होना है, आपको प्रोटेक्शन के लिए थोड़ी रेमेडीज करने की ज़रूरत है। जैसे कि ब्लैक टूरमुलिन नाम का क्रिस्टल आता है, जैसे ये ब्लैक टूरमुलिन अलोंग विद द 7 चक्रा है, ये आपको पहनना है। इसमें 7 चक्र के क्रिस्टल्स है एंड इट्स अ ब्लैक टूरमुलिन फॉर प्रोटेक्शन। सो ये ओवरऑल आपको प्रोटेक्ट भी करेगा और लाइफ के आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्टेकल्स है, ये 7 चक्रा बैलेंसिंग के लिए ये वाला ब्रेसलेट है, ये आपको पहनना चाहिए, जिससे आपके सारे ऑब्स्टेकल्स निकलेंगे और आपके करियर और रिलेशनशिप ओवरऑल लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। तो फ्रेंड्स, मुझे और भी रिक्वेस्ट आ रही है, तो अब मैं मेरा लास्ट टैरो कर रही हूँ इंदर देव बंसल जी का। मेरे फ्यूचर के बारे में बताइए प्लीज। इंदर देव जी, कैसे हो आप? मैं आपका अभी टैरो कर रही हूँ और भी कमेंट्स आ रही है। हाय राहिला, हाय मनोज, थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट योर एक्सप्लेनेशन। ओके थैंक यू मनोज। राहिला आप कैसे हो? और ओके इंदर देव जी, मैं आपके कार्ड्स अभी डाल रही हूँ। मैं मेरा सेशन इसलिए फिनिश कर रही हूँ क्योंकि अभी कुछ समय ही बचा है और पॉजिटिव अफर्मेशंस मुझे भी बोलने हैं, बट मैं अपने सारे व्यूअर्स के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस प्रे करना चाहूँगी कि आप सब मुझे जो भी वॉच कर रहे हो, मुझे कमेंट्स भेज रहे हो, आप सबकी लाइफ में जो जो आपको अचीव करना है, एंड ओवरऑल आई विल प्रे फॉर द एंटायर यूनिवर्स ऑल्सो दैट वी ऑल आर फेसिंग बिकॉज ऑफ द कोरोना पैंडेमिक। तो मैं यूनिवर्स से ये प्रे करूंगी, सारे प्लेनेटरी प्लेसमेंट जो हुई है, सारे उच्च ग्रह अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं स्वग्रही होकर, तो सारे नवग्रह से मैं प्रे करूंगी कि ये जो कोरोना का पेंडेमिक है वो जल्दी से खत्म हो जाए, यूनिवर्स में पॉजिटिविटी आ जाए, सबकी हेल्थ अच्छी हो जाए और हम सब अपने अपने फाइनल, जैसे पास्ट में लाइफ चल रही थी वैसे ही सर्कल ऑफ लाइफ एज इट इज आ जाए, जैसे हम खुश रहना चाहते हैं, सब घर के बाहर निकलना चाहते हैं, सब अपनी अपनी जो भी करियर बिजनेस जिस में लोग स्टक अप है अभी अपने अपने घर में लॉकडाउन में, तो बस मैं यही प्रे करूंगी कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए, कोरोना कहीं गायब हो जाए और इस धरती पे पहले जैसा पॉजिटिव एनर्जी आ जाए। तो अभी मेरा लास्ट टैरो मैं कर रही हूँ, और भी आ रहे हैं लोगों के क्वेश्चंस। आशा त्रिवेदी, अगले सेशन में मैं आप सबके सवालों का जवाब दूंगी, पर अभी मैं लास्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी मुझे भी प्रेयर्स करनी है सबके लिए, खुद के लिए प्रेयर्स करनी है। ओके व्यूअर्स, इंदर देव जी, अभी आपके भी कार्ड में ये आ रहा है कि थोड़ा डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, हेल्थ इश्यूज से भी आपको थोड़ा संभालना है, पास्ट में थोड़े ऑब्स्टेकल्स जो थे वो शायद वापस भी आ सकते हैं आपके लाइफ में, सो यू शुड रियली टेक केयर ऑफ वॉट एवर हैपन इन योर पास्ट, वो वापस आपके फ्यूचर लाइफ में ना आए उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, आप भी मेहनत बहुत कर रहे हो, स्पिरिचुअल हो आप, बहुत प्रेयर पूजा पाठ करते हो बट आपका फिर भी काम नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें दिख रहा है कि आपके ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, फाइनेंशियली भी थोड़ा
टाइम टफ चल रहा है. तो इंद्रदेव जी आप भी पॉजिटिवली आगे बढ़ोगे श्योर, बट अभी मन से जो नेगेटिविटी वो निकाल दीजिए. बस आपका फोकस एक ही चीज़ पे होना चाहिए, डाइवर्ट मत होइए आप, बस एक ही चीज़ चाहिए और उसी गोल के पीछे पड़े रहो और आपको श्योर आपका गोल मिलेगा. आप में पॉजिटिव स्ट्रेंथ भी है, सो यू विल अचीव ऑल योर गोल्स पॉजिटिवली. ओके सो फ्रेंड्स, नाउ आई एम just finishing of my live session. So all of you, I am again requesting all of you to pray positive. ये ग्रह का जो position है वापस 300 साल बाद आने वाला है, मतलब अपने मे बी तीन जनरेशन के बाद अपना चौथा जनरेशन शायद ये वाली प्लेसमेंट देख पाएगा. सो प्लीज प्रे करिए. अप्रोक्सीमेट 12:15 12:30 तक ये योग चलेगा. तो आप सबको प्रे करना है, अपनी जो भी विशेष है पॉजिटिवली बोल दो और सब कुछ अचीव होगा आपके लाइफ में. ग्रह इतने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन में है, जैसे सबसे बड़ी तो एग्जांपल है राम भगवान का जन्म ही ये वाली प्लेसमेंट में हुआ था. तो आप समझ जाओगे कि आपको कितनी नामना मिलेगी अगर आज आप कुछ भी पॉजिटिव विश करोगे तो. थैंक यू व्यूअर्स, हैप्पी संडे, बाय. आई विल सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट लाइव सेशन. तब तक आपके सारे क्वेश्चंस रेडी रखिए. थैंक यू, जय श्री राम.